जब आप प्रिम्ड के मीनिंग है टू क्लेम ऑक्यूपाई यूजर टू टेक द प्रियोरिटी द स्पेशल न्यूज कास्ट प्रिम द यूजुअल टेलीविजन पर। अब देखो जरा बात को समझो, क्लेम करना क्या मांगना, नहीं यहां थोड़ा सा नहीं है दूसरे लफ्जों में कि एक चीज सबसे अच्छी अगर इसको एक्यूरेट मीनिंग देखो तो ये टू टेक द प्रियोरिटी। ये होता है कभी मुल्की हालात बड़े हैम हो जाते हैं, कहीं कोई जलजला आता है या गवर्नमेंट चेंज होती है, ठीक है, तो क्या होता है भैया वो कोई कुरान है टीवी पे चल रहा है वो रोक देंगे और क्या होगा स्पेशल न्यूज कास्ट आ जाएगा प्रिम्प्टेड द यूजुअल टेलीविजन कुरान। ये मतलब हुआ इसका एक्यूरेटली। फिर वर्ड है प्रोस्क्राइब टू डिनाउंस कंडेम सेंस्यूर डिसअप्रूव्ड। सलमान भट्ट एक्ट वॉज बैडली प्रोस्क्राइब। देखो मसला क्या है, प्रिस्क्राइब का समझो एक तरह से ध्यान में रखो, किसी को आप दवा प्रिस्क्राइब करते हैं ना, ये प्रोस्क्राइब है, ये नहीं किसी की चीज को मना कर रहे हैं कॉन्डेम कर रहे हैं। एक अनाउंस होता है, देखो तरकीबें सोचो ना, इसको डिनाउंस समझ लो क्या भाई चल भाग तू तो इस काबिल ही नहीं है। कॉन्डेम करना सेंस्योर और डिसअप्रूव। रेपुटिएट के मीनिंग होते हैं टू डिसऑन रिजेक्ट एक्सेप्ट रिफ्यूज टू एक्नॉलेज और ओबे टू रिपुटिएट या न्यू लॉ। रेपुटिएट की मीनिंग भी देखो बड़ी हद तक प्रोस्क्राइब से मिलता जुलता ही आप कह सकते हो साइनोनिम से एक तरह का, कि जब आप किसी चीज को मना कर रहे हो। एक बिन तवाली का इलाका है जिसे इजिप्ट और सूडान दोनों कहते हैं भाई तुम्हारा, इजिप्ट कहता है भाई तुम्हारा, सूडान कहता है भाई तुम्हारा, तो वो क्या होते हैं रिपुटिएट करते हैं। इम्पुनिटी की मीनिंग होते हैं फ्रीडम और एग्जेम्पशन फ्रॉम पनिशमेंट ओवर प्रेसिडेंट हैज इम्पुनिटी। जी हाँ, पाकिस्तान में प्रेसिडेंट के पास इम्पुनिटी होती है, वजीर आजम को नहीं होती लेकिन प्रेसिडेंट को होती है, यानी प्रेसिडेंट को कोई सजा नहीं हो सकती ड्यूरिंग हिज ऑफिस टाइम। फिर देखिए रेप्राइजल रेटिलेशन पे बैक द एनिमी रेप्राइजल वॉज सेवर। तो यहाँ ये होता है कि किसी चीज का रेटिलिएशन पे बैक जो कि आपको वापस रिटर्न देना। डिसल्ट्री के मीनिंग यूजली ना बहुत बेइज्जती या इंसल्टिंग, आसान वर्ड अगर समझो ना तो इंसल्टिंग होते हैं। डिसकनेक्टेड भी कह सकते हो, जहर यार अगर आप देखो किसी को गाली दे रहे हो कोई कनेक्टेड वर्ड तो नहीं है ना। हैबजार्ड इररिलेवेंट इम्पर्डिनेंट एक्सट्रेनियस डिसल्ट्री रिमार्क, यानी गैर जरूरी तौर पे आपने ना कोई ऐसा रिमार्क दिया जो कि बोलना नहीं था वो आपने बोल दिया। ट्रांसग्रेशन व्यूलेशन कोई चीज तोड़ना, ठीक है, ट्रांस का मतलब होता है पार करना, ट्रांसग्रेशन का मतलब क्या हो गया कि आपने कोई चीज तोड़ दी। कोजेंट की मीनिंग कन्वेंशन टीचर कोजेंट एक्सप्लेनेशन। अब देखो जैसे कि अभी हम क्या कर रहे हैं भाई, आपको वो वोकैबुलरी किस वे में समझाना चाह रहे हैं, कोजेंट वे में, ठीक है, कोजेंट। अब देखो इसको इस तरह कोई ना कोई एसोसिएट कर लो, जेंट आ गया, ठीक है, कोजेंट कोई जेंट है, जेंटलमैन के लिए बात होती है ना मर्द की। हमने कहा भाई मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि कौन सी चीज कोजेंट है आपके लिए, आपको जो आसानी से समझ में आ जाए। कॉन्करेंट के मीनिंग होते हैं एग्रीएबल एकॉर्डेंट कॉन्ग्रोशियस। द क्लाइमेट ऑफ मरी इज कॉन्करेंट टू हेल्थ, यानी ये अच्छी चीज, ठीक है, ये अच्छाई के लिए यूज हो रहा है, जैसे हम क्या मरी का क्लाइमेट हो गया। हेराल्ड के मीनिंग होते हैं अनाउंस, तो देखो इसको आप अखबार ग्रुप है ना, हेराल्ड ग्रुप से ध्यान में रखो बस। अब देखो ये पकड़ लो हेराल्ड ग्रुप अखबार है तो क्या कर रहा होगा, अनाउंस पब्लिसाइज डाउट वैल्यू द एडवर्टाइज नो आउट हेराल्ड प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखो बैली हू को मतलब ये कर लो कि भाई बैली अपनी आप रिड्यूस करना चाह रहे हो तो आपने क्या किया है अनाउंसमेंट कर लो इस बात की यार कि मैं अपनी बैली रिड्यूस करके दिखाऊंगा। तो एक बार इनको देख लेते हैं, प्रेम टू क्लेम प्रेस्क्राइब टू डेनाउंस रेपिट्यूड टू डिसऑन इम्प्यूनिटी फ्रीडम, ये इम्प्यूनिटी बहुत आता है, रेस्प्राइजल पे बैक डिसल्ट्री डिसकनेक्टेड ट्रांसग्रेशन ब्रीच वायलेट कोजेंट कन्वेंसिंग कॉन्करेंट एग्रीएबल हेराल्ड टू अनाउंस।
ठीक है, डेप्लोर की मीनिंग टू माउंट, बेवल लेमेट और बेबोन, बीइंग पेशेंट इज नॉट हेजी एज लेमेंटिंग। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है ना वो ट्रेपिडिएशन, डर, खौफ, फेयर, ड्रीड, ड्रीड भी बहुत आता है पेपर में, फ्राइट, फोबिया, फोबिया तो किसी भी वर्ड के साथ देखो तो डर की बात है, एप्रीहेंशन, पैनिक, टेरर, स्टूडेंट ट्रेपिडेशन ऑफ एग्जामिनेशन। जी हाँ, ठीक है, टेस्ट हो, एप्टीट्यूड टेस्ट हो, क्या होता है ट्रेपिडेशन। तो समझो मैं आपका इस वक्त फिलहाल क्या दूर कराना चाह रहा हूँ, ट्रेपिडेशन, फेयर, फ्राइट, एक तो होता है फाइट, लेकिन फ्राइट क्या हो गया कि डर गए इतने ज्यादा, ट्रीट, डरा हुआ, ट्रीट की स्पेलिंग में देखो डर आ रहा है, फोबिया, एवरीएंशन, पैनिक, टेरर, वेरेसिटी का ट्रूथफुलनेस, इंटीग्रिटी, क्रेडिबिलिटी, इस वेरिशनेस इज अ मैचलेस, क्रूवल टू फोन, कोटो, डोडी, ट्रगल, इन ऑर्डर टू गेट अ फेवर द सर्वेंट ग्रोवल्स इज मास्टर। फिर है मेडिकेट, टू मेक लेस सेवियर, फैंस वॉन्ट ICC टू मेडिकेट आमिर पनिशमेंट। यार ये बड़ा अहम था, जब ये मोहम्मद आमिर को पनिशमेंट हुई थी तो ही वॉज वेरी यंग, 17 ईयर, और एक छोटे से गाँव का था, तो यहाँ सब लोग ICC को कह रहे थे कि जी उसकी पनिशमेंट कम की जाए। एवोक टू एलिसिट और डॉन फोर्थ इज कॉमेंड एवोक वायलेंस, opulent, wealthy, rich, affluent, poor, indignant, penurious, impecunious, misanthrope, hater of humankind, opposite, altruistic, philanthropy, curiosity, hasty, superficial, curiosity, glance at a newspaper article, exacerbate to increase the severity, bitterness, or violent or worsen. ओके जी, कॉस के मीनिंग चार्ल लटन, फेक, प्रैक्शनर, प्रेटेंड टू नॉलेज। तो देखो चार लटन को ना ऐसा रखो, चार चार लटन है, ठीक है, जो फेक अपने आप को जाहिर कुछ कर रहे हैं, या चालान कर रहे हैं, या अचार जाली बेच रहे हैं, किसी भी तरह इसको याद रख सकते हो चार लटन को। एम्यूलरेट टू इम्प्रूव, इनहेंस, प्रैक्टिस कैन एम्यूलरेट वन स्किल्स, एनोमलस, एबनॉर्मल, इरेगुलर, एबेरेंट, एटीन्यूट, मेक थिनर, ये बना है मैंने, देखो एटीन्यूट के मीनिंग थिनर करना, वीक करना, लेसन के मीनिंग भी डिग्रीज होते हैं, चाहे वो डेंसिटी में हो, फोर्स डिग्री में हो। एडल्ट्रेट के मीनिंग होते हैं बेसिकली इम्प्योर करना बाय एडिंग इनफेरियर, अब ये भी था को बहुत आता है एडल्ट्रेट वर्ड। एब्रोवेशन, अप्रूव करना, ऑडियंस एप्रोबेशन, तो अप्रूव से ही इसको जहन में रखो, एप्रोबेशन। फिर डेलिनिएट, पोर्ट्रेट, डेपिसेट, स्केच। कोलंड्रम के मीनिंग होते हैं रिटल, डिफिकल्ट प्रॉब्लम, मिस्ट्री। मलाला हैज बिकम अ कोलंड्रम। अब क्या मसला था कि सारे कॉन्ट्रोवर्शियल बयान आप तो दिए थे उसने। डिस्कॉर्डेंट, नॉट हारमोनियस, कॉन्वेक्टिंग, डिस्कॉर्ड रिलेशन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। एब्स्ट्रूस, एम्बिगस, अनक्लियर, वेश, ऑब्स्क्योर, रिकॉन्टाइट, अर्किंग, एजोटेरिक, इक्विवोकल। नेक्रोमेंसी इज नो लॉन्गर एब्स्ट्रूट, ठीक है, तो ये सारे के सारे वर्ड्स हैं आपके यहाँ तक। देखिए रूट वर्ड्स में आज हम बात कर रहे हैं आर्च, आर्ची, आर्ची, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूट वर्ड है जिसके मीनिंग होते हैं चीफ, प्रिंसिपल, रूलर या हेड। आर्किटेक्ट क्या होता है, देखो जो बिल्डिंग बनाने का जो मास्टरमाइंड होता है ना, अब अक्सर होते हैं जो बुर्ज खलीफा का आर्किटेक्ट कौन है, ठीक है, ताजमहल का आर्किटेक्ट खुद कौन था, खुद शाहजहां था। आर्च एनिमी, जना, चीफ एनिमी, जो नंबर वन दुश्मन हो, दुश्मन नंबर वन, मोनार्ची। अब देखो मोन कहते हैं एक को, मोनार्ची यानी एक इंसान की हुकूमत। अनार्ची, अब देखो ए के मीनिंग एब्सेंट के होंगे, अनार्ची यानी नो गवर्नमेंट। ओली कहते हैं फ्यू को, ओलीगार्ची, फ्यू लोगों की हुकूमत। इसी तरह ऑटो के मीनिंग होते हैं सेल्फ, ऑटोमेटिक, सेल्फ मूविंग, सेल्फ एक्टिंग।
ऑटोक्रेट एब्सोल्यूट रूलर, ऑटोनॉमी इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम। रूट और बाई के मीनिंग होते हैं टू आईज या डबल, जैसा कि बाइनोकुलर इन्वॉल्विंग टू आईज, दोनों आंखों से घूर के देखना। बाय एनियल, एनियल भी एक रूट वर्ड है जिसके मीनिंग ईयर होते हैं, तो बाइनेलियल हैपनिंग एवरी टू ईयर्स। बायोलेटरल, आपने अक्सर देखा होगा बायोलेटरल ताल्लुक दो कंट्रीज के दरमियान के जो रिलेशन है। बायोलिंगुअल, एबल टू स्पीक वन नेटिव लैंग्वेज एंड अदर विद इक्वल फ्रीक्वेंसी, अगर आपको दो लैंग्वेज में महारत हासिल है तो आप बायोलिंगुअल कहलाओगे। पार्टी, बाय पार्टीशन रिप्रेजेंटेटिंग टू पार्टीज, अब एक ही वक्त दो पार्टीज में शामिल हो तो बाय पार्टीज। डेप्लोर की मीनिंग टू मॉन बिवेन रेमेन बेमोन बीन प्रैक्टिकल इज नॉट एज ईजी लेमेंटिंग, ट्रेपिटेशन के फेयर फ्राइड ट्रीट फोबिया एब्रीहेंशन पैनिक टेरर, जैसे कि स्टूडेंट ट्रेपिटेशन ऑफ एग्जामिनेशन। वर एक रूट है जिसके मीनिंग सच के होते हैं, तो वेरेसिटी ट्रूथफुलनेस, इंटीग्रिटी भी सच्चाई को कहते हैं, क्रेडिबिलिटी ईमानदारी, इज वेरेसिटी इज मैचलेस। क्रोवन टू फोन कोटो टोडी ट्रकल इन ऑर्डर टू गेट ए फेवरिज्म द सर्वेंट क्रोवर इज मास्टर, यानी एक तरह से मक्खन लगाना ना, फोन ग्रोवर खुशामद करना, कोटो टोडी ट्रकर। मिटिगेट टू मेक लेस सेवर, फैंस वॉन्ट आईसीसी टू मिटिगेट आमिर पनिशमेंट। एवॉक द एलिसिट और ड्रॉ वर्थ इज कॉमेंट्स एवॉक वायलेंस। ओबुलेंट अमीर वेल्दी रिच को कहते हैं, एफ्लुएंट एंटोनिम में पुअर इंडिगेंट पेनोरियस इम्पेकोनियस आ सकता है। और मिजेंट्रोप हेटर ऑफ ह्यूमन काइंड, एंथ्रोप मैन को कहते हैं, मिस नेगेटिव वर्ड है तो अपोजिट हो जाएगा इल्ट्रेस्ट्रिक। और फिल लव को कहते हैं फिलेंथ्रोप, इंसान से मोहब्बत करने वाला। कर्सरी हेस्टी सुपरफिशियल कर्सरी ग्लैंस एट न्यूज़पेपर आर्टिकल, बहुत गौर से देखना। एक्सकर्बेट टू इंक्रीज द सेवेनिटी बिटरनेस और वेगलेन, देखो ए सी ई आर अगर किसी वर्ड में आता है तो इसका मतलब होता है बहुत नेगेटिव वर्ड होता है ए सी ई आर, एक्सकर्बेट फड्डा बढ़ाना। कॉक चार्लटन फेक प्रैक्टिशनर प्रेटेंडर टू नॉलेज, एमलोग्रेट टू इम्प्रूव एनहेंस प्रैक्टिस कैन एमोलरेट स्किल। एनोमोलस एबनॉर्मल इरेगुलर अपेरेंट, एटूनिएट मेक थिनर वीकल लेसन डेंसिटी फोर्स डिग्री, एल्ट्रूट्रेट मेक एम्प्योर बाय एटिंग इनफेरियर और ट्रेंड सब्सटेंसेस, अप्रोपेंटेड अप्रूवल अप्लास ऑडियंस अप्रूवल, डेलिनियट पोर्ट्रेट डिस्पैच स्केच एंड आर्टिस्टिक डेलिनियट्स ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, कोनेंड्रम रिटल डिफिकल्ट प्रॉब्लम मिस्ट्री, मलाला इज बिकम अ कोनेंड्रम, डिसकंसोर्ट नॉट हारमोनियस कॉन्फ्लिक्टिंग डिसकंसोर्ट रिलेशन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, एस्ट्यूट एम्बिशियस अनक्लियर वैग ऑब्सक्योर रिकॉन्साइड आर्केन ऑस्ट्रेटिक इक्वेलेंट और नैर मेगेंसी स्नो नॉगर। तो ये मैंने आपको एक रिविजन भी करा दिया है।